A 50 plus, will you marry your 8-year-old girl with me? Question to the caller. जी बताइए, ये पूछ रहे, कह रहे हैं ये 50 प्लस के हैं, क्या आपकी 8 साल की बच्ची इनके साथ शादी कर सकती है? 8 साल की बच्ची, अगर वो 18 है या 19 है तो नहीं नहीं उनका उनको सिर्फ 8 साल की बच्ची से शादी करनी है। नहीं नहीं अगर वो 18 है अवेलेबल, 8 साल की बच्ची अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं नहीं 8 साल की ही चाहिए हमको। नहीं, 8 साल की बच्ची अवेलेबल नहीं है। नहीं क्वेश्चन वो नहीं है ना, आप उसका जवाब दें जो क्वेश्चन है। आप दूसरे देखिए, द थिंग इज आप जलेबी मत बनाओ, बताओ 8 साल की आपकी बेटी है, फॉर एग्जांपल आपकी बेटी है, आप 8 साल की बेटी से मैं जो ना किसी को, मैं जो ना अपनी बेटी 8 साल की अगर हो, मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं करेंगे? अच्छा नहीं करूंगा तो फिर बेचारी आयशा के साथ ऐसा क्यों? हाँ अब वही बात लाई जाती, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उस वक्त जो ना अबू बकर रज़ियल्लाह और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत का वो मौका था, एक बच्ची को औरतों को प्रोटेक्ट करना, खुद हिजरत करना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो मेरी बच्ची फ्यूचर में पैगंबर की बीवी बनेगी और एक मॉडल, यानी कि औरतों के लिए एक मॉडल बनेगी, तो अबू बकर रज़ियल्लाह ने शायद वो 18 साल की हो या 8 साल की हो, उन्होंने सेफ समझा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी निकाह में दे देना। अच्छा तो अगर अच्छा तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बगैर शादी किए वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते थे? नहीं आप थोड़ा सुनिए, उनके बाप, उनका बाप भी तो बन सकते थे ना। देखो उसका बाप भी तो बन सकते थे ना, मुंह बोला शादी क्यों करनी थी? आप कह रहे हैं हिजरत में प्रॉब्लम थी, ये थी वो थी, इतनी एक्सक्यूजेस नहीं, एक बच्ची है उसको बच्ची के हिसाब से करना, शादी करने की क्या जरूरत थी? बहुत से रिश्ते हैं, आप वो रिश्ते कर सकते थे, शादी क्यों? अब देखो आजकल रसम है, शादी से पहले रसम किया जाता, रसम होती ना, कौन सी रसम? मंगनी बोलते, मंगनी मंगनी या रसम, जी जी। तो उसके बाद 10 साल के बाद शादी होती, निकाह होते, तो उनकी तो नहीं हुई थी ना 10 साल बाद शादी, उनकी तो फौरन हो गई थी। यानी कि वहाँ पे 6 साल में रिश्ता आया था, 6 साल की थी जब रिश्ता आया था, 6 साल में उनकी मंगनी हो गई थी और 9 साल में उन्होंने सब कुछ कर लिया था उसके साथ। चले आपकी 9 साल की बेटी है, उसकी उसका रिश्ता ये गलत है, नहीं गलत है, नहीं हर चीज गलत है, हर चीज गलत है, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, हर चीज गलत है। आप कह रहे हो गलत तो आपके कहने से थोड़ी उम्मत, पैगंबर जो पूरी उम्मत के लिए एक नमूना बनने जा रहा हो या अल्लाह ने बनाया हो, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि 6 साल की बच्ची से उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, ये तो इल्जाम बोतान है। नहीं इल्जाम नहीं है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आयशा जो है वो अभी तक गुड़ियों के साथ खेलती थी जब मोहम्मद जी वहाँ आते थे, तो गुड़ियाओं के साथ 18 साल की बच्ची खेलेगी? शादी नहीं रसम मान लो। नहीं रसम नहीं, शादी हुई थी, रसम मान लो, कंज्यूम नहीं, नहीं शादी हुई थी, रसम तो 6 साल की उसमें हुई थी, 9 साल में पूरा उन्होंने कंज्यूम कर लिया। हिस्टोरियन जो लिखने वाला है वो 200 साल के बाद लिखा। हाँ हदीस की शक्ल में हो, रिवायत की शक्ल में हो, उसने लिखा जो भी लिखा लिखा, तो यही लिखा ना, जो हुआ ना, जो उसने लिखा। देखो अच्छा उसकी ये बात नहीं मान रहे आप, मगर जो और बातें उसने लिखी वो मान रहे हैं आप। कौन सी बात नहीं मान रहा हूँ? आप कह रहे हो ना कि उसने लिखा, तो भाई उसने लिखा यही चीज लिखी है कि वो छोटी थी, हाँ। बच्ची थी वो जब उसके साथ ही सब कुछ हुआ है, she was 6 or 9। इसीलिए तो नमाज में हदीस नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ कुरान पढ़ा जाता, तो हाँ। इससे क्या, इससे कैसे प्रूव हो रहा है कि आयशा जो है वो 18 साल की थी? नहीं आप मुझे बताएं इससे क्या प्रूव होता है कि 18 साल की थी कि नहीं थी? हदीस इख्तलाफ या बहस का मौजू नहीं बनना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि कहां हमको ये लिखा मिलता है कि 18 साल की थी आयशा? हो सकता है, मेरा ख्याल है हो सकता है ना, हम तो ये कहते हैं ये भी हो सकता है कि वो 6 साल की थी, 9 साल की थी, क्योंकि जो जो लिखी हुई है चीजें जिस तरीके से लिखी हुई हैं, और जब उनकी डेथ हुई है, और जब उनकी डेथ हुई है आपके मोहम्मद साहब की, तो आयशा जो थे उस वक्त बहुत यंग थी, 18 साल की थी उस वक्त। हाँ तो जो ना रिकॉर्ड भी करना होता है ना एक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको क्या लगता है आपके रिकॉर्ड भी करना होता है, छोड़ दिया इतने अरसे तक कि नहीं चलो तुम 18 की होगी तब मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूंगा ये वो, और वो जब 18 सेक्स बेस के लिए जो ना पैगंबर जो ना शादियां नहीं किए, फॉर योर फैमिली, तो फिर किस लिए की उन्होंने शादी? वो जो ना कबाइल को अपने करीब करने के लिए। कौन से कबाइल को करीब करने के लिए? जितनी भी शादियां उस वक्त हुए वो कबीलों को, उनके सरदारों को
खरीफ करने के लिए उनकी बेटियों से। अच्छा, यानी आपके मोहम्मद जी के पास कोई और रास्ता नहीं होता था, जहाँ लड़की को प्रोटेक्शन चाहिए शादी कर लो। नहीं नहीं नहीं, अगर उमर, कबीले बढ़ा रहे शादी कर लो। उमर उमर ने खुद अपनी बेटी को ऑफर किया कि आप शादी कर लीजिए। नहीं मगर क्यों, मगर क्यों कोई और, आप मुझे ये बताइए, उस वक्त अबू बकर ने ऑफर कर दी, इन्होंने ऑफर कर दी, हर कोई इनको अपनी बच्चियां क्यों ऑफर कर रहा था, मुझे बताइए। लड़कियां क्यों ऑफर हो रही थी? आप तो कह रहे हो लड़कियों की बड़ी इज्जत है, तो ये लड़कियां बेची जा रही है, कोई मेरी लड़की ले जाओ, मेरी लड़की ले जाओ, तुम्हारे पे लड़की दान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी दो बेटियों को हजरत उस्मान को ऑफर किए। Why are women being offered? अपनी हमें से मर्जी तो कोई पूछ नहीं रहा, हम लोगों को ऐसे आप लोग ऑफर कर रहे हो जैसे कि भेड़ बकरी नहीं होती, ये लो मेरी बकरी ले जाओ, कोई बात नहीं, ये लो लो मेरी बैल ले जाओ। उसमें मर्जी शामिल होती है? कोई शामिल नहीं होती मर्जी। अरे आप कहाँ से आ रहे हो सीरियसली, लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ से आ रहे हो ये चीजें। कोई मर्जी नहीं थी आपके रिलीजन में, ये लिखा हुआ है कि आयशा जो थी वो छोटी सी एज की थी, उसके साथ वो किया। और नहीं, आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि हमारे उन्होंने होनी की, उन्होंने 12 शादियां करके बैठे थे वो भाई। अगर इतना ही होता, एक शादी करते, बाकियों को अपनी बहन बना लेते, बहन भी तो बना सकते थे ना, बहन क्यों नहीं बनाया? बहन क्यों नहीं बनाया? बहन क्यों नहीं बनाया? बहन से बहनें तो बहुत थी। नहीं नहीं, ये 12 जो बीवियां थी इनको बहन क्यों नहीं बनाया, मुझे ये बताइए ना। कि वो जो छोटी आयशा थी उसको सिक्योरिटी चाहिए थी, तो उसको बहन क्यों नहीं बनाया, बीवी क्यों बनाया? सिक्योरिटी भी चाहिए थी, सिक्योरिटी भाई नहीं देता सिक्योरिटी, और पूरी लाइफ को रिकॉर्ड भी करना चाहिए था, तो भाई नहीं कर सकता। 2000 हदीसों को उन्होंने कोट किया, भाई नहीं कर सकता। मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, भाई टेक केयर नहीं कर सकता क्या बहन की? या शादी करना जरूरी है? शादी से इंसान करीब से देख सकता है, नहीं तो बहन को भी करीब से देख सकता है। कहाँ की लॉजिक है आपकी? ना करीब से क्या, सेक्स करके अंदर जाके करीब से देख सकते हैं? हाँ ये सही बात कही आपने। हाँ नहीं नहीं, शादी से करीब से देख सकते हैं, सेक्स करके अंदर घुस के उसके, सेक्स नहीं, नहीं सेक्स ही है, तो शादी नहीं थी। नहीं नहीं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपके बीच में सेक्स नहीं है ना, तो फिर आप उसको बहन बना के रखते। आपको सेक्स चाहिए है ना, तो आपने उससे शादी की है। ये तो आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ही ठप हो गया। लोग वो कॉमन मैन के बराबर कर दे रहे हैं प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को, कि सेक्स के लिए उन्होंने शादी की। नौज़ बिल्लाह, वो है कॉमन मैन, वो कॉमन मैन ही थे। नहीं, आप लोगों ने उनको हवा बना दिया, वो तो थे ही कॉमन मैन। और ऐसे कॉमन मैन जिन्होंने इतनी खराब खराब हरकतें की है, 6 साल की बच्ची से शादी कर ली, शर्म करो आप लोग। यानी और आप आकर उसको जस्टिफाई भी कर रहे हो यहाँ पर, लाइक सीरियसली आपकी बच्ची से कोई शादी कर ले, बुढ़ा 50 साल का इस वक्त, 8 साल की बच्ची से, तो आपको कैसा लगेगा? अगर ईसा अलैहि सलाम अगर आज भी आ जाए, तो अगर जो ना 6 साल की क्या, 8 साल की क्या, फौरन देने को तैयार हो गया इंसान? नहीं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई इतना पागल नहीं है आजकल के जमाने में, नहीं कोई नहीं देगा। और लड़कियां जो है ना, औरतें जो है ना, भेड़ बकरी नहीं है कि आपका जो दिल करा ना, ना ना ना, आपका दिल करा तो अपनी ये ले जाओ, मेरी लड़की ले जाओ, मेरी लड़की ले जाओ। यानी हम इंसान नहीं है, हमको पता नहीं क्या समझा है, सेक्स सेक्स हो रहा है ना, फिर आप बोलते हो लौंडिया नहीं है। हमारी सिर्फ औरतों की आप लोगों को दिखती है टांगों के बीच में, ठीक है, आपको वही दिखता है, बस उसको सिर्फ वही यूज करो, दैट्स इट। उससे आगे लड़की औरत का कोई हैसियत ही नहीं है, दैट्स इट। नहीं, आप क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं है, तो फिर बहन बनाओ ना। आप जो है तो डिग्रेड कर रहे हैं औरतों के राइट्स। आप लोगों ने डिग्रेड किया है, आपने खुद ने डिग्रेड किया है, मैं नहीं कर रही हूँ डिग्रेड। आप खुद सुनो, इतना डिग्रेड मत कीजिए, इतना हेल्पलेस मत बनाइए। आप जितना इस वक्त औरत को डिग्रेड कर रहे हो ना, उससे ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता है। हम ये बात वो बात औरत पेश कर दो, ये बात वो बात मेरी औरत ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, पैसे दे देते, आप बहन बना लेते, बहन क्यों नहीं बनाया? समझ रही हैं? नहीं मुझे बताएं, बहन क्यों नहीं बनाया? बहन भी बनाया है, बीवी बनाया है, नहीं 12 की 12 जो लड़कियां थी उनको बीवी क्यों बनाया, बहन क्यों नहीं बनाया? जी जो 12 बीवियां थी आपके मोहम्मद की, उन्होंने बीवियां बनाना है, बीवियां बनाया, जिनको बहन बनाना है बहन बनाए। नहीं क्यों नहीं, आपने अभी कहा नहीं उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी, ये था वो था, इस वजह से उन्होंने बीवियां बनाई थी, तो बीवी क्यों बनाया? बहन बना के भी तो प्रोटेक्शन दे सकते थे, आयशा से शादी करने की क्या जरूरत थी, छोटी सी बच्ची से। उस वक्त शादी करना कोई क्राइम नहीं था, आज जैसा क्राइम है। आज क्राइम है नहीं, उस वक्त भी देखे 6 साल की बच्ची के साथ ना सेक्स करना हमेशा से बुरा माना जाता होगा। आई डोंट थिंक कोई 6 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर लेगा,
उसके ऑर्गन्स भी इतने वो नहीं होते हैं, इट्स कॉल्ड टॉर्चर, ठीक है ना, उसके ऑर्गन्स, उससे बच्ची मर सकती है। ये जुल्म है कि जो ना 6 साल की बच्ची से इस तरह से किया गया, ये तो बोहतान है, ये खादियानों ने फैला दिया। तो किया ना अपने गुलाम अहमद खादियानी को नबी बनाने के लिए, एक्चुअल नबी को के बोहतान लगाया है बस। हाँ, दूसरों ने किया, दूसरों के पास और कोई काम काज नहीं था, बस वो आपके इनको ही वो करना था। खैर, एनीवेज, चले यूनिवर्सल ब्यूटी जी, हम आगे चलते हैं। आप अपना चैनल जरूर खोल लें, आप जो है ना अपना इस्लाम जरूर सिखाइए, क्योंकि आपने ये जहाँ इस्लाम ये सिखाना शुरू किया ना, आप ही के मुसलमान भाई जो है ना आपके गले पड़ेंगे गला उतारने के लिए। चले, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मैं ये कह रही ना, मेरा दिमाग में इतनी वो नहीं है भैया कि बस